तो शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। बीसीसीआई की अध्यक्ष पद से सौरव गांगुली का कार्यकाल खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें सांसद बनाने की तैयारी में। साथ ही गांगुली को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन सीएबी के प्रेसिडेंट पद पर जीत दिलाने में टीएमसी ने पूरा जोर लगा दिया। मकसद यही है कि किसी भी तरह गांगुली टीएमसी में शामिल हो जाए। ऐसा होता है तो तीन मंत्रियों के जाने का दबाव झेल रही ममता को एक नया चेहरा और पार्टी को नया आइकन मिल जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से शुरू हो गया है। भारतीय कमेंटर और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी यहां कमेंट्री के लिए पहुंच गए। भारत अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। मैच से पहले पाकिस्तान टीम ने गावस्कर को अपने ड्रेसिंग रूम में बुलाया और इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। वीडियो में गावस्कर पहले पाकिस्तान टीम के कैप्टन को बाबर आजम से उनका हालचाल पूछते हैं और फिर हाथ मिलाकर जन्मदिन की बधाई देते हैं। मोबाइल चोरी के एक शक ने एक बच्चे को कुएं में लटकाया गया। वह रहम की भीख मांगता रहा, गिड़गिड़ाया, पर आरोपी ने एक न सुनी। 20 फीट गहरे कुएं में एक हाथ पकड़कर 5 मिनट तक लटकाया रखा और फिर जिस लड़के ने घटना का वीडियो बनाया उससे थाना प्रभारी ने मारपीट की। वीडियो बनाने वाले ने आरोप लगाया। ग्वालियर में रोज रोज पत्नी से झगड़ा होने पर घर में क्लेश होने से परेशान एक ऑटो चालक ने रेल की पटरियों पर जाकर लेट गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि आरपीएफ ने गश्ती दल की नजर उस पर पड़ गई। आरपीएफ की टीम ने तत्काल उसे बचाया। जिस ट्रैक पर वह लेटा था उसी लाइन पर 2 मिनट बाद झांसी से आगरा के बीच चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन गुजर गई। आरपीएफ का गश्ती दल समय पर ऑटो चालक को नहीं बचाता तो वह ट्रेन की पहियों के नीचे आकर कट जाता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह दमोह जिले की समीक्षा बैठक ली। दमोह जिला प्रशासन के अफसर इस बैठक में वर्चुअली जुड़े। सीएम ने सबसे पहले जल जीवन मिशन की जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि जहां जहां योजनाएं पूरी हो चुकी है वहां पानी की सप्लाई हो रही है कि नहीं। रिस्टोरेशन को लेकर शिकायत है कि इसके काम में कुछ जगहों पर सड़कें खराब हुई है, वो ठीक नहीं हुई। इनको जरा गंभीरता से देखिए।